गाइज हम बात करेंगे रेटिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में, मतलब कि पेशाब के बंद लग जाने के बारे में। आपने देखा भी होगा बहुत सारे मरीजों को क्या होता है, अचानक से उनका पेशाब आना बंद हो जाता है। कुछ को क्या होता है, पेशाब धीरे धीरे आता तो है लेकिन जलन के साथ आता है। तो इसी को हम समझेंगे भाई ये किस वजह से होता है, और ये बहुत ख़तरनाक होता है क्योंकि बहुत इसमें पेनफुल ये होता है। जब यूरिनेशन अगर होता भी है, पेशाब आता है थोड़ा थोड़ा, तो बहुत दर्द के साथ आता है। तो ऐसा किस वजह से होता है और इसके सिम्टम क्या होते हैं जब ये दिक्कत देखने को मिलती है, ये बीमारी होती है, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे आज वीडियो में, पूरा देखना है आपको। मैं हूं आरिफ खान, आप देख रहे हैं आरिफ फार्मा क्लिनिक। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज हम यहां पर बात कर रहे थे रेटिनेशन ऑफ यूरिन के बारे में, यानी कि पेशाब के बंद लग जाने के बारे में। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ब्लेडर होता है और ब्लेडर में जैसे कि यूरिन रहता है और वो पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, तो वहां पर यह आपको देखने को मिलता है पेशाब वहां पे बंद लग जाता है। अब इसके कॉजेज भी मैं बताऊंगा क्यों लग जाता है। और यहां पे दो टाइप का जो है रेटिनेशन ऑफ यूरिन होता है, एक क्रोनिक रेटिनेशन ऑफ यूरिन और एक जो है एक्यूट रेटिनेशन ऑफ यूरिन। तो इसको हम समझेंगे एक्यूट में क्या होता है। एक्यूट रेटिनेशन ऑफ यूरिन में जो है पेशाब अचानक से आना बंद हो जाता है, मतलब कि पेशेंट जो है ठीक होता है और अचानक से क्या होता है, पेशाब आना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये एक्यूट में होता है, एक्यूट रेटिनेशन ऑफ यूरिन में। और क्रोनिक की रेटिनेशन ऑफ यूरिन में क्या होता है, पेशाब आता तो है लेकिन कई बार जलन के साथ आता है, पूरी तरीके से जो हमारा ब्लेडर होता है वो खाली नहीं हो पाता है, ठीक है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहता है। तो इन दोनों चीज़ों में ये दिक्कत देखने को मिलती है, दोनों टाइप में ये अंतर होता है, ठीक है। एक्यूट में जो है अचानक से पेशाब रुक जाता है, क्योंकि इसको जानना बेहद ज़रूरी है गाइज। इसके कोज की अगर बात करें तो जब ब्लेडर में पथरी हो जाती है, स्टोन आ जाती है, जैसे कि हमारी किडनी में जब पथरी होती है और किडनी से जब पेशाब के रास्ते, मतलब ब्लेडर में ये आ जाती हैं और पेशाब के रास्ते में आके फंस जाती हैं कई बार, तो वहाँ पे पेशाब आना बंद हो जाता है, ओके। और जब पेशाब आना बंद हो जाता है तो वहाँ पे पेशाब इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद जो ब्लेडर की वॉल होती है, दीवार जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पे पेशाब जब ये लगता है तो बहुत सीवर पेन होता है और बहुत हैवी पेन होता है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाता, ठीक है। और कई बार अगर ब्लेडर में ट्यूमर है तो ट्यूमर की वजह से ऐसा हो सकता है, या इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट हो सकता है, मतलब जो जिसको बोल सकते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, तो वहाँ पे उनका बढ़ जाती है। जब वो बढ़ जाती है तो वहाँ का जो रास्ता है वो संकरी हो जाता है थोड़ा, ठीक है। तो वहाँ पे पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है, आता तो है लेकिन वो जलन के साथ आता है और बहुत पेनफुल ये कंडीशन होती है, ओके। तो हमने यहाँ पे ये समझ लिया। और इसके कोज की बात करें तो ब्लेडर में अगर कोई इंजरी हुई है तो इंजरी की वजह से भी ये हो सकता है। अगर वहाँ पे स्टोन हो गई है जैसे मैंने बताया था, तो स्टोन होने के बाद में वहाँ जब पेशाब भरा रहता है और टाइम हो जाता है थोड़ा, तो वहाँ पर यूटीआई होने के चांस रहते हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वहाँ पर हो जाता है। जब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो पेशाब के टाइम पे बहुत जलन होती है, ओके। तो इसके जो ट्रीटमेंट है वो भी मैं आगे बताऊंगा। बात करते हैं हम इन सिम्टम के बारे में, जब ये आपको कंडीशन हो जाती है तो क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सिम्टम तो इसके यही है कि पेशाब आना बंद हो जाता है बिल्कुल, या कई बार आता है तो थोड़ा थोड़ा आता है, और पेशाब जो है जलन के साथ आता है, ओके। यूरिनेशन मतलब पेनफुल होता है, पेशाब आता भी है तो बहुत दर्द के साथ होता है, और वहाँ पे जिसको हम पेड़ू बोलते हैं, ठीक है, हम लैंग्वेज में अपनी समझाने की कोशिश करते हैं, जो पेड़ू होता है वहाँ पे बहुत भारीपन सा दिखाई देता है, वहाँ पे रेडनेस कई बार आ जाती है, ठीक है, लालिमा वहाँ पे आ जाती है, और कई बार इचिंग भी वहाँ पे ऐसा लगता है जैसे हो रही हो। तो ये सब सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके भाई ट्रीटमेंट के बारे में, कि अगर ये दिक्कत आ जाती है तो फिर हमें क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो वहाँ पे जैसे कि डायुरेटिक मेडिसिन होती हैं वो डॉक्टर देते हैं, जैसे कि लैसिक्स होती है, 40 mg में आती है, तो इसको आपको देना रहता है, या फिर अगर टेबलेट से कुछ नहीं होता है तो आप इंजेक्शन IV या IM दे सकते हैं। IV अगर आप देंगे तो इसको सिरो डायल्यूट करके लगा देना है आपको, ओके। तो उससे जो है यहाँ पर जो पेशाब का बंद लगा है वो खुल जाएगा, पेशाब आ जाएगा कुछ देर में। इससे भी अगर कुछ नहीं होता इंजेक्शन से भी, तो फिर वहाँ पे जो कैथेटर होता है वो वहाँ पे डालना रहता है पेशेंट। कैथेटर के थ्रू जो है मतलब पेशाब को बाहर निकाल दिया जाता है, यूरिन बैग में इकट्ठा हो जाता है उसको, ठीक है। वहाँ से जब पेशाब पास हो जाता है, मतलब यूरिनेशन हो जाता है, तो पेशेंट को जो है दर्द नहीं होता है और उसे बहुत सुकून मिलता है, ठीक है। तो ये कोई परमानेंट इलाज नहीं होता है कि कैथेटर डाल देंगे और ये परमानेंट इलाज है, ठीक है। तो इसका जो भी सिम्टम है, जो भी कारण है, ट्यूमर है, स्टोन है, जो भी भाई कारण है, उसको देखते हुए डॉक्टर वहाँ पे टाइम पे ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। और पेशाब अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है जलन के साथ, तब क्या करना होता है, वहाँ पे जो है जैसे कि अपने एल्कासोल सीरप होती है, एल्कासोल सीरप में सोडियम हाइड्रोजन सिट्रेट होता है, और इसको 10 ml एडल्ट डोज की हम बात कर रहे हैं, 10 ml एक गिलास पानी में
या आधे गिलास पानी में मिला के पेशेंट को देना होता है सुबह और शाम। इससे क्या है, जो जलन होती है पेशाब की वो कम हो जाती है। और टेबलेट नोरफ्लॉक्स टीजेड आती है तो वो भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। हो सकता है कई बार वहाँ पे यूटीआई हो जाती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, तो उस वजह से वहाँ पे जलन हो रही है, तो ये आप ट्रीटमेंट देना वहाँ पे रहता है। बाकी जो इसके टेस्ट होते हैं और इसके अच्छे से डायग्नोस होती है भी ऐसा क्यों आए, फिर जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये थी इसकी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।